बाबा बर्फानी का दर्शन करने अमरनाथ मंदिर पहुंचे राजनाथ सिंह, डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने भी हैं मौजूद। पटना में जनशताब्दी एक्सप्रेस व बुलेरो की भीषण टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, कई की हालत नाजुक। शोपिया मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए, 24 घंटे के भीतर घाटी में 7 आतंकी ढेर। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के कार्यालय में काम करने वाले 3 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, इनमें से 1 महिला व 2 पुरुष कोरोना संक्रमित पाए गए। नई दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों को इलेक्शन कैंपेन और सार्वजनिक बैठक आयोजित करने को लेकर अपने विचार और सुझाव भेजने को कहा। सुझाव भेजने की अंतिम तारीख 31 जुलाई। कोरोना अपडेट, बीते 1 दिन में ब्राजील से ज्यादा मामले भारत में आए, अब तक 10.38 लाख संक्रमित, 26,000 से ज्यादा की मौत। राम मंदिर में भूमि पूजन पर अयोध्या को बड़ी सौगात दे सकते हैं PM मोदी, ट्रस्ट की अहम बैठक आज। विकास दुबे मामले में 3 दिन में 6 ऑडियो वायरल, शशिकांत की पत्नी पिंकी भी बनेगी आरोपी, गिरफ्तारी की तैयारी। चीन पर गंभीर आरोप, अमेरिका ने कहा मुस्लिम महिलाओं का जबरन गर्भपात और पुरुषों की नसबंदी करा रही चीन सरकार, दुनिया ने ऐसा दमन कभी नहीं देखा। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।